आपको बाइबल पढ़नी है, बाइबल आपका ब्रेकफास्ट है, बाइबल आपका लंच है, बाइबल आपका ब्रंच है, बाइबल आपका डिनर है। यदि आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति नहीं है तो आपका ध्यान, आपकी आंखें, आपका मन भटकता रहेगा। आप बैठे यही होंगे लेकिन ध्यान घर में होगा, कपड़े उतरे रह गए। आप बैठे यहां होंगे लेकिन इधर उधर आपका ओ क्या करो, बोर हो रहा हूं। बोर इसलिए हो रहे क्योंकि आपका जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं। यदि आपकी लाइफ में प्रार्थना होगी, ध्यान से सुनिएगा, दानियल अगर आप 6 अध्याय उसकी 10 आय से लेकर 13 आय तक पढ़े तो बाइबल कहती है जब शेरों की मांद में डालने का वक्त आया डैनियल को, तो डैनियल कहां गया? अपने उपरोठड़ी कोठड़ी में गया, अपने प्रेयर रूम में गया, अपने प्रार्थना वाले स्थान पर गया। और प्रार्थना वाले स्थान पर जाकर उसने परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर, मेरे विरुद्ध में हस्ताक्षर सिग्नेचर हो चुके हैं, लेटर हेड पास हो चुका है, मुझे डालने के लिए और शेरों की मांद में डालने के लिए अनाउंसमेंट हो चुकी है, हो प्रभु मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं, मेरा तो आसन तू है, मेरी तो उम्मीद तू है, मेरी तो आंखें तेरे ऊपर लगी रहती हैं, क्योंकि तूने ही आकाश और पृथ्वी को बनाया है, क्योंकि तूने ही मेरे बेडोल तक को बनाया है, तूने ही मेरी माँ की कोख में मुझे रचा है, तू ही जब मेरी हड्डियों की रचना कर सकता है तो तू ही मुझे शेरों की मांद से जिंदा बचा सकता है। गौर से सुनिए, डैनियल 3 समय की प्रार्थना शेरों की मांद में जब जाने पर था तब नहीं करता था, पहले से करता था। तो समझ पा रहे, पहले से प्रार्थना करता था, वो पहले से उसका प्रार्थना का जीवन था। याद रखिएगा, यदि तूफान आ रहा हो, दुख आ रहा हो, मुसीबतें आ रही हो, तकलीफें आ रही हो, उन्हें आने दीजिए, उनके दिखने से पहले आप प्रार्थना। विपत्तियों के दिखने से पहले आपका जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। आपको डिसीजन लेने की जरूरत है, आपको निर्णय लेने की जरूरत है, आपको एक एक ऐसा काम करने की जरूरत है जिसके कारण तूफान चले, डोंट वरी, चले। बाइबल कहती है पॉल समंदर के बीचों बीच था और उसने अपने दुश्मनों से कहा, मत जाओ, मत जाओ, हम विपत्ति में फंस सकते हैं। लेकिन दुश्मनों ने नहीं सुना, दुश्मन चल दिए, उन्होंने कहा हम तो चलेंगे। उसने बोला ठीक है, तुम्हारी मर्जी। लेकिन जिस वक्त वो समंदर के बीचों बीच सेंटर में थे, तूफान चल पड़ा। तूफान चला, विरोधियों ने कहा वाह हो, हम क्या करें, हम फंस रहे हैं, अब हम सेंटर में हैं। और सेंटर में जब तूफान चलता है तो आप साउथ के लोगों से पूछेगा, बचने की कोई उम्मीद नहीं होती। और वो सेंटर में थे, सेंटर में तूफान चल रहा था। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अगर पॉल की जगह कोई और पास्टर होता, कोई पादरी होता, मालूम क्या कहता, देखा मैंने कहा था ना तुम फंस जाओगे, मैंने कहा था ना, देखा फंस गए ना, मेरा परमेश्वर मेरा है, वो मेरी आवाज को पूरी करता है, फंसे कि नहीं फंसे, हाँ फंस, पहले बता फंसा कि नहीं फंसा। अगर वो कहते कि मेरे लिए प्रार्थना कर तो मुझे बता, नहीं नहीं पहले ये बता मैंने जो कहा था वो पूरा हुआ या नहीं हुआ, ऐसा पौलुस ने नहीं कहा, ऐसा पॉल ने नहीं कहा, बल्कि पॉल ने क्या कहा मालूम आपको, पॉल ने कहा चिंता ना करो, ये तूफान हमें वही लेकर जाएगा जहां मुझे जाना है।
पॉजिटिव पॉजिटिव सोच कहां से आती है? प्रार्थना से आती है। पॉजिटिव थिंक कहां से आती है? प्रार्थना से आती है। आप पॉजिटिव कब होंगे? जब आपका कोई निरादर करे और आप पॉजिटिव हो जाएं, पता लग जाएगा प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं। जब आपको कोई कोसे, जब आपको कोई श्राप दे, मुझे याद है आज से कुछ साल पहले मुझे श्राप दिया गया, तू तर तर के ठोकरे खाएगा, जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाएगा, ऊंचाई पर जाएगा और नीचे गिरेगा। और मैंने खड़े होकर कहा, परमेश्वर ये जो कुछ भी कहा गया मुझ पर काम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा खुदा जीवित है। और आपको मालूम मेरा बोलने का तरीका क्या था? उसको ये नहीं कहा, हाँ तू देख लेना मेरा खुदा मेरी ओर से है और वो तेरे इन शब्दों को पूरा नहीं होने देगा, ना। बल्कि उसकी इस बात को सुना और सुनकर आंखें बंद की, साइलेंट प्रेयर की। और साइलेंट प्रेयर कर उसको बोला, ब्रदर जो आपने कहा यदि वो खुदा की ओर से है तो पूरा हो, अन्यथा आपके शब्द हवा के हवा में। मैंने उनको कोसा नहीं और उनके गले लगा, उनको बोला थैंक यू सो मच, जो भी आपने मेरे साथ किया प्रभु आपका आशीष दे। और मैं वापस लौटा। आपको मालूम मेरे साथ क्या हुआ? वो श्राप आशीष में बदल गया। मैं दर दर की ठोकरे खाने वालों को उठाने लगा। दर दर की ठोकरे तो नहीं खाई मैंने, लेकिन दर दर की ठोकरे खाने वालों को यीशु के नाम में खड़ा करने लगा। आमेन। क्या आप चाहते हैं आप कुछ कोसने वाले लोग, श्राप देने वाले लोग? हो सकता है आज की सभा में आने से किसी ने आपको कहा हो, मत जा वहां। हो सकता है किसी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, तू उठे जाके की करेगी, तेरा दिमाग ठीक है दास, ना तू उठे ना जा। याद रखिएगा, मैं आज आपको एक बात बोलना चाहता हूं, मेरी चर्च का एक भी मेंबर ऐसा नहीं है जिसके गले में पटा बांधा गया हो। ध्यान से सुना, भेड़ों के पटे नहीं बांधे जाते, कुत्तों के बांधे जाते हैं। और आप भेड़ हैं, समझ पा रहे? आप भेड़ हैं। प्रेज द लॉर्ड, आपके लिए यीशु ने खून बहाया है। मेरे पास्टर की ये टीचिंग है, मेरे पास्टर ने मुझे यही शिक्षा दी थी। मैं जब भी अपने पास्टर को बोलता, पास्टर जी फलानी जगह पर मीटिंग हो रही है, मैं क्या करूं? जा बेटा जा, अगर तू जाएगा नहीं तो अच्छी भीड़ बनेगा नहीं। तुझे कैसे पता लगेगा कौन अच्छा कौन बुरा है? तुझे कैसे पता लगेगा कौन सी जगह कांटा है कौन सी जगह नहीं है? मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, आपके बच्चे खुद व खुद खाते हैं। आपने कई बार अपने बच्चों को बोला, बेटा बर्गर मत खाओ, ये फूड मत खाओ, वो फूड मत खाओ, लेकिन बच्चे क्या मना होते हैं? जी नहीं, वो खाते हैं। और जब खाते हैं उनको वॉमिटिंग आती है, मम्मा मुझे इससे वॉमिटिंग आई। ओके बेटा, अब आप सोचो, समझदार माँ क्या, अब आप सोचो बेटा खाना चाहिए या नहीं। ओह मम्मा नहीं, आज के बाद मैं नहीं खाऊंगा। समझदार माँ हमेशा प्रैक्टिकल देती है। और यीशु मसीह ने आपको और मुझे इसलिए चुना है कि वो हमें प्रैक्टिकल दे। आपकी लाइफ में प्रैक्टिकल होना चाहिए। आपको मालूम है जब इंडिया के अंदर अलग अलग प्रीचर्स आने लगे तो बहुत से पास्टर टेंशन में आ गए। उन्होंने कहा हम सबका चर्च टूट रहा है, हम क्या करें, चर्च टूट रहा है। और मुझे भी एक सभा में बुलाया गया, मैं भी वहां पर बैठा, सबके चर्च टूट रहे थे। तो किसी ने पूछा आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि मेरा चर्च टूट नहीं रहा है, प्लस हो रहा है। जब आपका जीवन प्रार्थना होगा तो आप डरेंगे नहीं, आप अपने खुदा पर घमंड करेंगे। आमेन। बाइबल कहती है दाऊद के सामने गोलियत खड़ा हुआ और गोलियत को दाऊद मारने के लिए गया, तो किसी ने कहा मेरी मदद ले ले, वहां बहुत टफ है, तू गोलियत को मार नहीं पाएगा, बड़ा टफ है उसको मारना। बोले भैया वो सूरमा है, उसके अंदर ताकत बहुत है, उसके पास हथियार बहुत है, उसका नाम बहुत है, फेमस बहुत है वो, तुझे ये पता ही नहीं है, तू तो छोटा जब बच्चा है तू की कर लेगा होगा, तू तो बाढ़ भी बीका नहीं कर सकता। और दाऊद का कॉन्फिडेंस प्रार्थना के द्वारा अपने खुदा के ऊपर था। दाऊद ने कहा तो राजा आप क्या कहते हैं, ये मेरे ड्रेस है बेटा उसको पहन ले। क्या दाऊद ने मना किया? नहीं, उसने ड्रेस को पहना। क्या उसने कहा राजा मैं नहीं पहनूंगा?
नहीं, उसने पहना क्योंकि शाऊल राजा उसका अगुआ था, उसने पहना, एक्सपीरियंस किया, प्रैक्टिकल किया, और करके बोला राजा उसे चला नहीं जा रहा, इसमें से स्वामी उसे चला नहीं, अच्छा चला नहीं जा रहा, नहीं तो उसने बोला ठीक है तू उतार दे, जैसे तू कंफर्ट है वैसा कर, और वो बिना वस्त्र के कंफर्ट था। बाइबल कहती है वो गोलियत के सामने खड़ा हुआ, और गोलियत के सामने जब खड़ा हुआ तो गोलियत ने कहा मैं कोई कुत्ता हूं जो तू मुझे लाठी लेकर मारने के लिए आया है, लेकिन दाऊद ने कहा हे कुत्ता दो चीजों से डरता है, लाठी और बोलो पत्थर, दोनों लेकर आया, बोला होगा बाइबल में नहीं लिखा लेकिन बोला होगा, ध्यान से सुना, लाठी और पत्थर से ही कुत्ता डरता है, और वो दोनों चीजें दाऊद लेकर गया था। इट मींस उसको ऑलरेडी वो पहले से ही कुत्ता समझ कर गया था, हालेलुया। और उसने भी अपने मुंह से बोल दिया क्या मैं कुत्ता हूं जो तू मुझे लाठी लेकर मारने के लिए आया। दाऊद ने एक बात बड़ी गर्व के घमंड के साथ कही, कहता है ये संग्राम ये युद्ध ये बैटल मेरा नहीं है, मेरे खुदा का है। प्रेज द लॉर्ड। चर्च की स्थापना आदमी नहीं कर सकता, चर्च की स्थापना कोई मनुष्य नहीं कर सकता, चर्च की स्थापना कोई औरत नहीं कर सकती, चर्च की स्थापना बाइबल के मुताबिक पवित्र आत्मा कर सकता है। आमीन। लोगों को कंट्रोल करना आदमी का काम है, लेकिन यदि पवित्र आत्मा कंट्रोल करने लगे तो चर्च ओवरफ्लो हो जाते हैं। आमीन। याद रखिएगा, आप उस बात को समझना होगा कि आपका जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। यदि आप बदलना चाहते हैं, यदि आप अपने बच्चों को बदलना चाहते हैं, आप नहीं बदल सकते। यदि आप पवित्र होना चाहते हैं, आप पवित्र नहीं हो सकते, लेकिन आपको पवित्र होने के लिए एक मददगार चाहिए, उसका नाम पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा आपके पास होना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा का मतलब अन्य भाषा नहीं है। कभी परमेश्वर ने मौका दिया तो मैं आपको इसको इस बात को खुलासा करूंगा। अन्य भाषा बहुत से लोग कहते हैं क्या आपने पवित्र आत्मा पाया, जी हाँ, और उसने अन्य भाषा को ओके ओके, और इसके बाद पवित्र आत्मा, ध्यान से सुनिएगा, अन्य भाषा एक दान है और पवित्र आत्मा एक सहायक है, दोनों में फर्क है। मैं यहां अन्य भाषा को टच नहीं करना चाहता, लेकिन कभी परमेश्वर ने मौका दिया तो मैं पक्का करूंगा। याद रखिएगा, जिस दिन आपको अन्य भाषा का समझ आ गया और पवित्र आत्मा का समझ आ गया, आपकी जिंदगी में नहीं, आपके घराने तक में रिवाइवल आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जिस वक्त मुझे अन्य भाषा और पवित्र आत्मा के बारे में पता लगा, उस समय केवल मैं प्रभु में था, लेकिन जब मुझे अन्य भाषा और पवित्र आत्मा की व्याख्या मुझे प्रॉपर पता लगी, तो आज 80% मेरा घराना प्रभु में है, रिवाइवल आ गया। प्रेज द लॉर्ड। रिवाइवल आ गया। आज आपको अगर रिवाइवल लेकर आना है तो आपको एक एक बात को समझना होगा, आपको अच्छी तरह उसको समझना होगा। बाइबल कहती है बहुत से लोगों ने ज्ञान की कुंजी हाथ में ले तो ली, ना खुद चले, और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। लूका में लिखा 11:52 में, लूक चैप्टर 11:52 में स्पष्ट लिखा, उन्होंने ज्ञान की कुंजी ले तो ली। याद रखिएगा, यदि आपने बाइबल को हाथ में लिया है और बिना पढ़े छोड़ दिया, न्याय बहुत खतरनाक होगा। यदि आपने बाइबल को हाथ में लिया है तो यीशु मसीह कहता है, यदि आपने बाइबल को हाथ में लिया और ना पढ़ा तो बाइबल में यीशु मसीह कहता है भला होता तू ना आता। और अगर आप आए हैं, एक बार आप पूरा पढ़िए इसको, ये क्या कहती है, एक बार आप इसको याद कीजिए। मेरे पापा को मैंने यही बात बोली, मेरे पापा को मालूम कितनी वर्सेस याद है, 700 वो फिंगर्स पर बोल सकते हैं, 700 आयते। प्रेज द लॉर्ड। तो उनको किसी ने पूछा आप कौन से बाइबल कॉलेज में गए, उन्होंने बोला विनोद प्रोचिया। हम सबका एक बाइबल कॉलेज है, विनोद प्रोचिया नहीं, हम सबका एक बाइबल कॉलेज है, और वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आपके अंदर लगन देगा, पवित्र आत्मा आपको उत्साहित करेगा, पवित्र आत्मा आपको सिखाने की ताकत रखता है, पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर की जुम्बिश से भर देगा। मैं जुम्बिश मतलब उपस्थिति, उपस्थिति मतलब प्रेजेंस। हालेलुया। और जहां उसकी उपस्थिति होती है, बाइबल कहती है जहां परमेश्वर का आत्मा होता है वहां स्वतंत्रता पाई जाती है।
वहां आजादी पाई जाती है। प्रेज द लॉर्ड। आज आप इस बात को समझे कि परमेश्वर क्या चाहता है। परमेश्वर बाइबल कहते हैं यूहन्ना, अगर आप 14 अध्याय उसकी 16 आयत को पढ़े तो वहां लिखा पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। और परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह ने कहा मैं पिता से विनती करूंगा। किससे? मैं पिता से रिक्वेस्ट करूंगा। क्यों यीशु मसीह ने यह कहा कि मैं पिता से विनती करूंगा? क्योंकि चेले नर्वस हो गए थे, चेले डर गए थे, चेले घबरा गए थे। याद रखिएगा जिस माँ का और पापा का रिलेशन अपने बच्चों के साथ सॉलिड है और बच्चे बच्चों को छोड़कर अगर माता पिता इंडिया की तरफ जाते तो बच्चे डर जाते। बच्चे कहते मम्मा हमारे पास कौन रहेगा, हम किसके पास रहेंगे, हमारी केयर कौन करेगा। बाइबल कहती है यहाँ पर पत्रस याकूब यूहन्ना भयभीत हुए और यीशु ने कहा तुम चिंता ना करो मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक सहायक देगा अर्थात पवित्र आत्मा। वो तुम्हें एक मददगार देगा, वो तुम्हें प्रार्थना करना सिखाएगा, वो तुम्हें मेरे करीब लाना सिखाएगा, वो तुम्हें पिता की बात को समझना सिखाएगा। ध्यान से सुनिएगा यीशु मसीह पिता की आवाज को सुनकर बोलते थे हाँ या ना। आज आपको मुझे यीशु की आवाज को सुनने वाला है, कान चाहिए। यदि आपके पास यीशु मसीह की आवाज को सुनने वाले कान नहीं है तो आप क्या करेंगे मालूम आपको? आप कहेंगे हर बात में कहेंगे प्रभु जी मुझे बताओ मैं क्या करूं। अभी थोड़े दिन पहले की बात एक लड़की ने बड़ी अच्छी बात बोली, मैं तो परमेश्वर को पूछती हूँ प्रभु आप मुझे बताओ मैं कौन सा चैप्टर पढ़ूं। तो मैं उस बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था और पवित्र आत्मा ने मुझे बोला इसकी बात को सुनकर नजरअंदाज ना करना, ध्यान से सुन वो क्या कह रही है। और मैंने उसको ध्यान से सुना और वो कह रही है कि मैं परमेश्वर को हमेशा पूछती हूँ प्रभु आप मुझे बताओ मैं क्या पढ़ूं। और जैसे वो बताते हाँ देखा परमेश्वर अच्छा दे रहा है। तो मैंने उसको बोला ध्यान से सुनना किसी दिन परमेश्वर की आवाज ना आई तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर तू ये कहेगी प्रभु आवाज दे आवाज दे आवाज दे आवाज दे। ध्यान से सुनिएगा बाइबल पढ़ने का तरीका ये नहीं है। पवित्र आत्मा एक बात मुझे सिखाता हमेशा सिखाता है विनोद भूख लगे ना लगे खा। बाइबल पढ़ने का दिल करे ना करे बाइबल पढ़। प्रार्थना करने का दिल करे या ना करे बाइबल प्रार्थना करते हो। आपको बाइबल पढ़नी है, बाइबल आपका ब्रेकफास्ट है, बाइबल आपका लंच है, बाइबल आपका ब्रंच है, बाइबल आपका डिनर है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप देखेंगे देखो आप सिर्फ सुनाने से मेरे कान गर्म हो गए, सिर्फ सुनाने से मेरे फेस की रौनक बदल रही है। और याद रखिएगा जिस दिन आप करने लगे खुदा आपके अंदर और सामर्थ्य बहाएगा। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जब आज मैं आपके सिर पर हाथ रखूंगा आप में से बहुत से लोग ऐसे जो बहुत सामर्थ्य को महसूस करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनको सामर्थ्य महसूस नहीं होगी। रीजन एक रात मैंने परमेश्वर से पूछा प्रभु ये क्या कारण है, मैं हाथ तो सेम है यीशु तेरा नाम भी सेम है प्रार्थना भी मैं पूरी सबके लिए कर कर आया लेकिन कुछ लोग भर गए कुछ लोग नहीं। तो परमेश्वर ने मुझे बोला जो मेरे साथ संबंध रखते हैं वो भर रहे हैं और जो नहीं रखते वो खाली रह गए। ओके ठीक है तो परमेश्वर मुझे इनके लिए क्या करना चाहिए, इनके लिए तुझे संदेश देना चाहिए, इनके ऊपर तुझे बीज बोना चाहिए। और ये वो हैं जो एक साल और मांग रहे हैं और इनमें फिर से बंजर भूमि उपजाऊ हो सकती है एक साल और। आमीन। और याद रखिएगा यदि कोई सही प्रचारक आपके पास आया और उसने पवित्र आत्मा की आवाज में आकर बीजना शुरू किया तो आप मरेंगे नहीं, आप मरने से पहले तौबा करेंगे पश्चाताप करेंगे और खुदा के पास पहुंच जाएंगे। आमीन। आज आप इस बात को समझने की जरूरत है, मैं फिर से कहता हूं कि समझने की जरूरत है कि पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर क्या करना चाहता है। ध्यान से सुनिएगा आपको मालूम है इंडिया के अंदर हमारा चर्च बहुत लंबा चलता है। तो किसी ने आकर मुझसे सवाल पूछा अपोस्टल जी इतना लंबा चर्च चलाते हैं क्यों, क्या ये बिब्लिकल है? जी हाँ ये बिब्लिकल है, ये बाइबल से है। बाइबल में लिखा है पत्रस और यूहन्ना सुबह के वक्त में गए थे और शाम को बाहर निकल रहे थे। बिब्लिकल है यीशु मसीह सुबह चर्च शुरू करते थे शाम को खत्म करते थे। बिब्लिकल है पॉल
मेरे पास सैकड़ों आयते हैं जहां पर पॉल ने सारी रात यीशु के वचन को सुनाया और लोग सुनते रहे। और एक व्यक्ति था जो खिड़की के पास बैठा हुआ था, बाहर का नजारा और अंदर का नजारा दोनों ले रहा था, पर बाहर का नजारा ज्यादा था, उसके ऊपर बाहर का नजारा हैवी हो गया और बाहर का अंदर का नजारा थोड़ा कम हो गया। और याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जिस तरफ का प्रेशर ज्यादा होगा आप उस तरफ खिंच जाएंगे। और सोचो वो खिड़की के ऊपर बैठा था, खिड़की के ऊपर बैठे बैठे किसकी ओर खिंच गया, नीचे की ओर खिंच गया, और वह नीचे की ओर गिरा। ध्यान से सुनिएगा, वो गिरा कोई बात नहीं, गिरा कोई बात नहीं। ये शब्द किसने कहा? पॉल ने कहा। पॉल ने कहा कोई बात नहीं, नॉट वरी, गिरा है मेरी मीटिंग में, गिरा है मेरी ही मीटिंग में चंगा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉल अंदर से मजबूत था, पॉल आंतरिक मनुष्यत्व में सॉलिड था, पॉल का रिलेशन खुदा के साथ था। आज हमारी चर्चेस में अगर ऐसा हो जाए तो हम कहेंगे अच्छा इसको जल्दी जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, इन्हें फटाफट तोड़ो। लेकिन पॉल में यही याद कहां से आया? पॉल में ही याद इसलिए आया क्योंकि उसके पास एक सहायक था, उसका नाम पवित्र आत्मा है। आमेन। और वो सहायक आपको बुद्धि और आत्मा दोनों देता है, वो आपको समझने की ताकत देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखिए जिस वक्त पत्रस प्रचार कर रहा था तो बाकी के 11 चेले क्या कर रहे थे? 11 चेले पीछे बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। आमेन। वो प्रेयर कर रहे थे, तभी वहां 3,000 लोगों के ऊपर रिवाइवल उतर आया। क्यों? क्योंकि 11 लोग उसका साथ दे रहे थे। लेकिन आज ऐसा नहीं होता। आज अगर एक व्यक्ति प्रचार कर रहा है तो सोचता हूं इसने ये बात गलत बोली, मैं होता ना इसकी जगह कुछ और बोलता, मैं होता इसकी जगह तो अच्छा बोल कर दिखाता, ये अच्छा नहीं बोल पा रहा। ध्यान से सुनिएगा, उस समय 11 चेले ऐसे नहीं थे, 11 चेलों के अंदर लगन थी, 11 चेलों के अंदर यूनिटी थी और वो पत्रस के साथ जुड़े हुए थे। और उन्होंने कहा परमेश्वर आप अपने दास को इस्तेमाल कीजिए, अपने दास के ऊपर अपनी आत्मा को उंडेलिए। परमेश्वर तेरा दास जब प्रचार करे तो ये सारे एक भी व्यक्ति भरे बिना बाहर नहीं जाना चाहिए, भर कर जाए। और वहां पर लिखा है 3,000 लोग थे और 3,000 में से एक पिता भी व्यक्ति भरे बिना बाहर नहीं गया, वो भर कर गए। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। प्रार्थना का जीवन, पवित्र आत्मा का जीवन, आपका जीवन बदलाव का जीवन होना चाहिए, बदलावट का जीवन होना चाहिए। पवित्र आत्मा बदल सकता है। यदि आप कहते हैं मुझसे प्रार्थना नहीं होती, मैं क्या करूं, मैं कैसे प्रार्थना करूं, ओ प्रभु मुझसे प्रेयर करी नहीं जाती, मैं जब भी प्रार्थना करती हूं करता हूं तो मुझे नींद आ जाती है, मुझे आलसपन आता है, ध्यान भटकता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं प्रार्थना करने के लिए आपको क्या करना। रोमियो 8वां अध्याय उसकी 26 और 28 आयत को अगर आप पढ़े तो उसमें लिखा है इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। आपको प्रार्थना करना नहीं आता, डोंट वरी, एक्सपीरियंस पाया हुआ व्यक्ति आपके पास, उसका नाम पवित्र आत्मा है। आप अपने घर में, अभी मैं अगर सिस्टर मंजीत के घर से निकलू तो मेरे साथ ऐसा व्यक्ति घर से बाहर निकलेगा जिसको यहाँ के बारे में नॉलेज है, हाँ या ना? क्या आप मुझे अकेले जाने देंगे? नहीं। क्या आप मुझे कहीं पर, मैं कहूं मैं जरा कॉस्टा कॉफी पी कर आता हूँ, कॉफी पी कर आता हूँ, क्या वो जाने देंगे? जी नहीं, क्योंकि उनको मालूम है मुझे रोड पर यहाँ चलना नहीं आता, मैं तो इंडिया के हिसाब से इधर उधर देखकर साथ ही निकल जाऊंगा और पटाखा बोल करेगा, गड़बड़ हो जाएगी, हाँ या ना? लेकिन मेरे साथ जब आप में से कोई एक्सपीरियंस पाया हुआ व्यक्ति, क्योंकि आप पहले से यूके रहते हैं इसलिए आप मुझे गाइड करेंगे, सेम वैसे ही यदि आपको प्रार्थना करना नहीं आता, डोंट वरी, चिंता ना करें। अच्छा तू प्रार्थना नहीं करता, हाय ये तो पापी है। आज ऐसा ही होता है, सबसे पहले आपको मालूम है कैसे तोला जाता है विश्वासियों को, कैसे तोला जाता है? मेरे चर्च में एक लीडर ने विश्वासी से पूछा आप कितनी प्रार्थना करते हैं, उसने बोला 15 मिनट। ओ नो 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 नो, ये तो बड़ा गलत हो जाएगा। मैंने लीडर को उसी समय कहा
इसको पवित्र आत्मा के बारे में बता, इसको बता कि पवित्र आत्मा इसको मिल सकता है और पवित्र आत्मा इसकी मदद करेगा और पवित्र आत्मा इसको प्रार्थना करना सिखाएगा। उसको डरा मत। आज विश्वासियों, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आज आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। अगर आज आपको लगता है कि मैं बाइबल नहीं पढ़ पा रही हूं, अगर आपको लगता है मैं बाहर निकलकर किसी को प्रीच नहीं कर पा रहा हूं, डोंट वरी। आप बाहर निकलने से पहले एक बार पवित्र आत्मा से कहें। बाइबल कहती है पतरस और यूहन्ना जेल से बाहर आए और वो बहुत डर गए थे, बहुत घबरा गए थे, क्योंकि उनको धमकी दी गई थी आज के बाद इस यीशु का प्रचार मत करना, और वो डर गए। और बाइबल कहती है वो वहां गए जहां कलीसिया उनके लिए लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी। प्रेज द लॉर्ड। और यदि आज के समय का व्यक्ति होता तो कहां जाता? पार्लियामेंट के लोगों के पास, पॉलिटिकल लोगों के पास, एसएचओ के पास। उनको बोलता सर मुझे धमकी आई है, आप मेरे चाचा के लड़के हैं, आप मेरी मामी के लड़के हैं, प्लीज हेल्प मी। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, पतरस और यूहन्ना का भरोसा पवित्र आत्मा के ऊपर था और वो सीधा वहां गए जहां प्रार्थना करने वाली मंडली बैठी थी और उन्होंने वहां घुटने टेक कर प्रार्थना की। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, हो सकता आप में से कोई कहे आपके ऊपर भी पत्ती आएगी तब आपको पता लगेगा, 6 बार मैंने यीशु के लिए मार खाई है और 6 बार मार खाने के बाद भी मैं किसी नेता के पास नहीं गया, मैं यीशु के पास गया और यीशु ने मुझे जीवन दिया है। हो सकता आप भी गूगल, हमें कैसे पता कि आपने मार खाई है? आप इंडिया जाएं, मेरे नाम के बारे में पूछे, वो आपको बताएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, ट्रेन में, बस में, मार्केट में, मैं इवेंजलिस्ट था और आज भी इवेंजलिस्ट हूं। मैं केवल इवेंजलिज्म किया करता था और मैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं कुलविंदर को देख रहा था, ये सब कुछ आ जाकर बता रही थी, एक्सक्यूज मी ये परमेश्वर का वचन है आप इसको दीजिए, और मैं इसको देख रहा था, इसको देखते हुए मेरे अंदर कुछ हो रहा था, मेरे अंदर कुछ अजीब सा हो रहा था और मैं इसको देखता और ये लगातार कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी किसी को, कभी किसी को, और मेरे अंदर कुछ उभर रहा था। और मैंने इसको बोला क्या मैं भी प्रचार कर सकता हूं यहां? इन्होंने कहा हाँ बोसो जी, क्यों नहीं, अब मेरे अंदर कुछ हो रहा है, मुझे लग रहा है कि मुझे भी कर देना चाहिए। मैं मुझे आज तक बस में कई लोगों ने प्रचार करते रोका, मुझे मोटर मार्केट में कई लोगों ने प्रचार करते रोका, मुझे ट्रेन में कई लोगों ने रोका, पर प्लेन में कभी नहीं रोका था। मेरा दर्शन था कि प्लेन में भी रोका जाए। और इस बार जब मैं बॉम्बे मीटिंग लेने के लिए आया तो मैंने प्लेन में यीशु का प्रचार किया। प्रेज द लॉर्ड। अगर मैं प्रेम में यीशु का प्रचार करने वाला ही था, मैंने पवित्र आत्मा को बोला, पवित्र आत्मा जी मैं करूं क्या, बोलूं क्या? तो मुझे होली स्पिरिट ने बोला अपने पापा से शुरू कर, अपने पापा के साथ ऊंची ऊंची आवाज में बातें कर, वही सुसमाचार होगा। और मैंने अपने पापा को गॉस्पेल प्रीच करना शुरू किया। मेरे पापा कह रहे मैं तो जानता हूँ यीशु मसीह के बारे में। मैंने बोला मैं दूसरों को बताना चाहता हूँ आपके जरिए। और एकदम से कोई व्यक्ति आया वहां पर और उसने आकर बोला पैसेंजर थोड़े डिस्टर्ब हो रहे हैं, चुप हो जाएंगे। ओके, मैं चुप हो गया। और थोड़ी देर के बाद क्या हुआ मालूम आपको? किसी ने पूछा इस व्यक्ति का नाम क्या है और उन्होंने बोला विनोद प्रोचू। विनोद प्रोचू वो एयर इंडिया फ्लाइट थी और उस एयर इंडिया के 4 विश्वासी उसी जगह पर मेरे फॉलोवर बैठे थे। प्रेज द लॉर्ड। एयर होस्टल्स थे वो। उन्होंने कहा वाओ ये तो बहुत अच्छी बात है, देखो ये व्यक्ति कहीं नहीं रुकता। ध्यान से सुनिएगा, मुझे अच्छा लगा कि वो जा जाकर लोगों को बता रही किसके बारे में। आज लोग कोई बिजनेस के बारे में बताता, कोई प्रोडक्ट के बारे में बताता, कोई किसी चीज के बारे में बताता, इवन के बहुत से लोग तो चौराहों पर खड़े हुए जय मसीह की बोलना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं यार जय मसीह की मत बोलना, यहाँ विरोध हो जाएगा। ओके, और बाइबल को थोड़ा छिपा लो, ऐसा होता है कि नहीं? लेकिन आपको यदि हियाब मिलता है, यदि आपको ताकत मिलती है, यदि आपको हिम्मत मिलती है, तो उसके देने वाले का नाम पवित्र आत्मा है। अभी ना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के किसी के लिए मददगार नहीं बन सकते। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर के नाम की महिमा, प्रभु आप सबको आशीष दे।